हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल स्ट्रीट्स। क्लास टेंथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बात करें तो सोशल साइंस में एक बुक चलती है जिसकी जो इमेज है फ्रंट पेज की, वो आपके सामने स्क्रीन पे है, कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये सेकंड पार्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया का। फर्स्ट पार्ट आप ऑलरेडी नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हो, कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट। तो आज अपन बात करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड की। आज से अपन शुरू करेंगे, एक सीरीज चलेगी जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस बढ़िया तरीके से एलैबोरेटली कवर करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो जो चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो फर्स्टली अपन कवर करेंगे कि क्या स्पेसिफिकली सब्जेक्ट में गिवन है, नंबर टू क्या बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नंबर थ्री फिर उसके बाद में उनका एनालिसिस। तो इस तरीके से ये अपना एक ट्राइंगल बनेगा जिसमें एक तरफ आपका हो जाएगा सब्जेक्ट खुद, एक तरफ एग्ज़ाम और तीसरी तरफ आपका एनालिसिस। इन तीनों को अपन इंटीग्रेट करके स्टडी करेंगे। ओके, ये आपकी खुद की टेक्स्ट बुक है जो कि क्लास टेंथ में चलती है। इसमें अपन सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पे है। टोटल 7 चैप्टर्स हैं जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसके बारे में बात करेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज के टाइप्स क्या होते हैं, क्या उनकी सिग्निफिकेंस है और क्यों उनकी इम्पोर्टेंस है, और टेक्नोलॉजी का क्या इसमें इम्पोर्टेंस आता है, साथ में इंस्टीट्यूशनल वर्क कैसे होता है, मतलब कि कोई भी रिसोर्स को रिसोर्स की कैटेगरी में कब डालते हैं। क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है लाइफ में, तब तक आप रिसोर्स की कंसिडरेशन में उस चीज़ को नहीं पुट करते। जैसे आप एक छोटी सी एग्जाम्पल लो लाइफ में, किसी के पास में कार है, ओके, अब वो कार जो है, अगर वहाँ पर आपके पास में कार के साथ में फ्यूल है कि नहीं, ये देखो आप। अगर फ्यूल उस कार में है तो कार आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर रिसोर्स हो जाएगा, ठीक है। उसी कंडीशन में अगर आपके पास में कार है बट फ्यूल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो जो कार है वो एक तरीके से लाइबिलिटी टाइप आपको फील होना शुरू हो जाएगी कि ये क्यों है, क्योंकि इसका कोई यूसेज नहीं है, उल्टा आपको उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा और करना पड़ रहा है। ये थोड़ा सा क्रूड एग्जांपल है, पर इससे आप समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ की कब क्या रिक्वायरमेंट होती है और कैसे उसकी फुलफिलमेंट होती है, और रिसोर्सेज की कंसिडरेशन में अपन उसको कब पुटअप करते हैं, ओके, और उनका कैसे डेवलपमेंट हुआ अभी तक और कैसे आगे एडवांसमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में अपन फर्स्ट यूनिट में स्टडी करेंगे। दूसरा अपन देखेंगे इंडिया के कंसिडरेशन में, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनके बारे में भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे अपने। यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से फ्लोरा फौना, इनके बारे में बात करेंगे, सक्सेशन, प्राइमरी सेकेंडरी या सक्सेशन, इनके बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। ये जो भी टर्म्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, वो सारी टर्म्स आपको एलैबोरेटली एक एक चीज़ समझ में आएगी, उसी तरीके से अपन सीक्वेंस में पूरा स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, ठीक है, क्योंकि इंडिया वाटर स्कैर्स कंट्री है, इसलिए इस रिसोर्स के बारे में पर्टिकुलरली एलैबोरेटली पढ़ने की ज़रूरत पड़ती ही है, ठीक है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। जैसे कि अपने को पता है इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री है, अपनी इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, और एग्रीकल्चर को अगर आप देखोगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीन सेक्टर्स होते हैं। ये तीन सेक्टर्स अगर अपन देखिए तो प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, जिसमें नेचर से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम अपन ऐसा करें जो सीधा नेचर से इंटरेक्शन हो। सेकेंडरी में ये होता है कि आपको कोई भी रॉ मटेरियल दे दिया गया और आपने उसको प्रोसेस किया, वो प्रोसेसिंग कैसे हो सकती है, जैसे नेचर से आपने कलेक्ट किए वुड, अब वुड आपने इकट्ठी की टिम्बर फॉर्म में, उसको आपने प्रोसेस किया, वो हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। अब आपने इसको प्रोसेस किया तो क्या बना दिया आपने इसका, पेपर, ठीक है। अब पेपर से क्या करोगे, उस पेपर के ऊपर आपने ये प्रिंटिंग कर दी, प्रिंटिंग के बाद में वही पेपर आपको एजुकेशन स्प्रेड करने में काम आ रहा है, तो वो काम हो जाएगा कौन सा, एजुकेशन वाला, टर्शियरी। ये चीज़ें एक एक लेबोरेटरी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, तो अभी फ़िलहाल सुन लो, ओके। फिर जो फिफ्थ चैप्टर है उसमें अपन बात करेंगे मिनरल्स की और एनर्जी रिसोर्सेज की। तो पर्टिकुलरली ये जो पूरी बुक है, ये जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है, सारी की सारी रिसोर्स ओरिएंटेड है, कि आपकी इकोनॉमी जो है, कंट्री की इकोनॉमी है, स्टेट की इकोनॉमी है, या फिर कोई भी गांव की इकोनॉमी है, कोई सिटी की इकोनॉमी है, तो वो किस तरीके से काम कर रही है और किन किन चीज़ों पे वो डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर मिनरल्स
एनर्जी रिसोर्सेज, ये देखो ये जो मैं एन सर्कल कर रहा हूँ ये सारा सेगमेंट किस में आ रहा है, ये सारा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर नेचर से रिलेटेड हो गया। मिनरल्स अपने को मिलते हैं, चाहे वो आयरन ओर हो, एल्यूमिनियम ओर हो, या फिर मैं कहूँ पेट्रोलियम हो, कोई भी आप मिनरल निकाल रहे हो तो वो भी क्या हो जाता है, सीधा नेचर से, अर्थ से ही तो अपन निकाल रहे हैं, एक्सकेवेट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अर्थ को ही, तो वो भी क्या हो गया, नेचर से रिलेटेड ही हो गया। ऐसे ही एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो जो पुराने वाले एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनको अपन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं, जिनमें क्रूड ऑयल हो जाता है, कोल हो गया, ये कंसिडर्ड होते हैं, उनकी बात करें तो वो भी अपन नेचर से ही तो गेन कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी क्या हो गया एक तरीके से, ये जो एन सर्कल फॉर्म जो नेचर से रिलेटेड हो रहा है, तो ये सब हो गए प्राइमरी सेक्टर। क्या हो गए? प्राइमरी सेक्टर। ओके, ये चीज़ इकोनॉमिक्स में अभी आपको थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास में रॉ मटेरियल कुछ भी मिल गया जो आपने नेचर से कलेक्ट किया और फिर आपने उसकी प्रोसेसिंग करके कोई और फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, तो वो जो प्रोसेस हो रहा है ना बीच में मैन्युफैक्चरिंग, उस वो इंडस्ट्री आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। जैसे आपने आयरन ओर जो है वो नेचर से कलेक्ट किया और उसकी प्रोसेसिंग करके फिर फाइनल आपने माइल्ड स्टीन MS जिसको बोलते हैं या फिर SS जिसके बर्तन बनते हैं, यूटेंसिल्स अपन घर पे यूज़ करते हैं, वो बन रहे हैं स्टेनलेस स्टील से, तो वो किस में आ गया सारा प्रोसेस, एक रॉ मटेरियल को आपने फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में जब चैप्टर आएगा तब और अच्छे से समझेंगे इन चीज़ों को। और फिर लास्ट जो अपना टॉपिक रहेगा, लास्ट जो चैप्टर रहेगा इस बुक का, वो रहेगा लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अपनी जो नेशनल इकोनॉमी है, राष्ट्र स्तर की बात करें, नेशनल लेवल की अगर बात करें, तो वहाँ पर कौन कौन सी इम्पोर्टेंट एक तरीके से एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी सेक्टर की बात करोगे तो जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गई, एनिमल डोमेस्टिकेशन जिसको बोल सकते हैं अपन, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, एक्वा कल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, और फिर इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग में आप चले जाओ, आयरन इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ठीक है, इसी तरीके से पेट्रोलियम, इनके बारे में, तो ये सारा इन चीज़ों के, और साथ में फिर आप टर्शियरी सेक्टर में आप टीचिंग की बात कर लो, टीचिंग के अलावा आप होटल टूरिज़म इनकी बात कर लो, तो वो टर्शियरी सेक्टर में चले जाते हैं। तो ओवरऑल प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी में अपन देखते हैं कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ इंडिया में होती है और उनका इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे अपन सेवेंथ चैप्टर में। और ये जो अपेंडिक्सेस हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसमें अपन देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स अपने को यूज़ करने हैं आंसर राइटिंग में, वो अपन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपन देख लेंगे, या फिर जैसे ही अपना सिलेबस सेवन्थ यूनिट तक कंप्लीट होगा उसके बाद में अपेंडिक्सेस को भी एक बार देख लेंगे ढंग से कि कहाँ पर कौन से टॉपिक में अपन इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ग्लॉसरी ये तो अपने को देखनी है, ये अपने को सबसे पहले रीड आउट करना है, तो आप ये चीज़ तो डेफिनेटली सबसे पहले एक बार देख लो जिससे कि डेफिनेशन आपके दिमाग में सेट हो जाए। ओके, तो ये अपना सिलेबस का डिस्कशन रहा। मैं कोशिश करूँगा कि ग्लॉसरी जो भी रिक्वायर्ड होगी पर्टिकुलर एक चैप्टर के अंदर वो अपन वहीं से पिक कर लेंगे, पहले ग्लॉसरीज को डिस्कस कर लेंगे फिर उसके बाद में एक एक चैप्टर को पिक करेंगे, जिससे कि आपको अगर किसी वर्ड का मीनिंग पहले से पता होगा तो आपके लिए इजी गोइंग रहेगा किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। ओके, सो आई होप कि आपको मेरा जो समझाने का तरीका है वो आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कन्वीनियंट, तो अपन डेफिनेटली कोप अप करेंगे और डेफिनेटली ये अच्छे से कवर करेंगे पूरा सिलेबस। थैंक यू।